अरे इतने सारे पैसे, लगता है मेहम साहब के गिर गए। एक काम करता हूँ, रख लेता हूँ, और कौन सा उनको पता लगने वाला है। एक काम करता हूँ, जल्दी से मैम आती है उससे पहले निकल लेता हूँ। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इतने सारे पैसे, लगता है मैम साहब से गलती से यहाँ आ गए। इससे पहले किसी को पता चले मैं इन पैसों को छिपा देता हूँ। रामू, कम से कम तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यार ये इतने सारे पैसे हैं, ये पैसे कहीं मेम साहब के काम के तो नहीं हैं? मुझे उनको ये पैसे दे देना चाहिए। अरे अर्षित। हाँ भैया। क्या छुपा रहा है? भैया वो ना, ये पैसे मुझे पड़े हुए मिले थे। मुझे लगता है ये पैसे मेम साहब के काम के पैसे हैं, इसलिए मैं सोच रहा था ये पैसे उनको जाकर दे दूँ, इसलिए जा रहा था। अरे रुको रुको, तुम्हें मेम साहब ने मार्केट के लिए बोला था ना? हाँ। तू मार्केट जा, एक काम कर, ये मेरे को दे दे, मैं दे देता हूँ मैडम को। ठीक है भैया, जैसा आप समझे। ठीक है, जा जल्दी से वो सामान ले आओ आप। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। रामू, सोनू, इधर आओ दोनों। जी मैम साहब, आपने बुलाया? हाँ, असल में मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अगले महीने से मैं तुम दोनों को तुम्हारे काम की पगार नहीं दे पाऊंगी। अब तक तो तुम दोनों को मैं टाइम से पगार दे रही थी, लेकिन अगले कुछ महीनों तक तुम दोनों को शायद बिना पगार के मेरे घर में काम करना होगा। तो क्या तुम दोनों को वो चीज़ मंजूर है? तुम दोनों पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो कहीं और जाकर नौकरी कर सकते हो, कहीं और अगर तुम्हें काम मिल रहा है तो, और चाहो तो यहीं पर काम कर सकते हो। अरे कोई बात नहीं मैम साहब, हम इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर आपको अभी दिक्कत चल रही है तो कोई बात नहीं, आप बाद में हमें पैसा दे दीजिएगा और हम ये नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ खुश हैं। मैम साहब आपको तो पता ही है मेरे घर की हालत कितनी ख़राब है, मुझे तो हर महीने पैसा चाहिए होता है, पापा की भी तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं तो बिना पैसे के नहीं कर पाऊँगा जॉब। कोई बात नहीं सोनू, अगर तुम नहीं कर सकते हो काम तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मुझे तुम दोनों से एक बात पूछनी थी, मेरे कुछ पैसे थे, सुबह से ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे हैं, क्या तुम दोनों को मिले घर में काम करते वक्त कहीं पर? अरे मैं नहीं मैम साहब, पैसे हमें तो नहीं मिले। झूठ क्यों बोल रहे हो मैम साहब, मुझे सुबह किचन में सफाई करते हुए पैसे मिले थे और वो पैसे मैं आपको देने वाला था। इन्होंने बोला कि मैं इनको पैसे दे दूँ, ये आपको पैसे दे देंगे। मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा काम भी था, इसलिए मैंने पैसे भैया को दे दिए। भैया ने आपको पैसे नहीं दिए क्या? नहीं रामू, मेरे पास कोई पैसे नहीं आए। और हाँ, जो पैसे तुम लोगों को मिले थे ना, वो तुम दोनों को ही मिले थे, लेकिन फ़र्क पता है क्या है? तुमने वो पैसे मुझे वापस करने के बारे में सोचा, जबकि सोनू ने जो पैसे उसे मिले वो भी रख लिए, और जो पैसे इसने तुमसे लेकर कहा कि ये मुझे वापस कर देगा, इसने वो पैसे भी रख लिए। इससे मुझे साफ पता चल चुका है कि तुम दोनों में से मेरे घर पर काम करने के लायक कौन है। तो रामू, तुम यहीं पर काम करोगे और हमेशा करोगे, और हाँ, अगले महीने से तुम्हारी जो पगार है वो मैं दुगनी कर दूंगी। धन्यवाद मैम। मैम मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नौकरी से मैं निकाली, वो इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था। बस बहुत हो गया सोनू, मुझे ये लगा था कि शायद तुम भी मेरे घर में काम करने वाले एक ईमानदार नौकर होगे, ठीक रामू की तरह, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा लालची हो और तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा लालच भरा हुआ है। जो पैसे मैंने टेस्ट करने के लिए तुम दोनों को दिए थे, तुमने वो पैसे भी रख लिए अपने हिस्से के, और वो
वो तो अपने पैसे मुझे वापस करने आ रहा था, तुमने उसे झूठ बोलकर उसके पैसे लिए और वो भी अपने पास रख लिए। आखिर इतने लालची कैसे हो सकते हो तुम? तुमने इतने सालों से मेरे घर में काम किया है, तुम दोनों जानते हो कि मैं तुम दोनों को घर के नौकर की तरह नहीं बल्कि घर के सदस्यों की तरह ट्रीट करती हूँ, फिर भी तुमने इसका ये सिला दिया मुझे। मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि मेरी पीठ पीछे अगर तुम्हें कोई पैसे मिलेंगे तो तुम उन पैसों को अपने पास रख लोगे बजाय कि तुम वो पैसे आकर मुझे वापस करो। और हाँ, इन सब चीज़ों के बाद ना मुझे साफ पता चल चुका है कि मेरे घर में काम करने के लायक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है और वो है रामू। और तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मेरे घर में काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। रुको एक मिनट, इतनी आसानी से कहाँ जा रहे हो तुम? जो पैसे तुमने लिए हैं वो वापस करके जाओ। अब खड़े क्या हो, निकल जाओ मेरे घर से। रामू, तुमने जो भी किया आज उससे मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है कि तुम जैसा इंसान मेरे घर में काम करता है। और हाँ, ये जो पैसे हैं ये तुम रख सकते हो और अगले महीने से तुम्हारी पगार दुगनी कर दी जाएगी। अच्छा ठीक है, अब ये पैसे उठाओ और जाकर अपने बाकी के काम करो। शुक्रिया मैम साहब।